हम लोग सुबह जहाँ से शुरू किया था एंड इवनिंग को यहीं पे आकर फिर से पहुंच गए हैं, जैसा कि डिफो स्टेशन का बाहर पे फिलहाल हम लोग खड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी रिटर्न जाने के लिए सब कोई तैयार है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। फाइनली इंडिया का प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो मारने का मौका मिल गया। सर जी देखिए उधर पे अपना बीबी के साथ पूरा हेलो हेलो कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब तो शादीशुदा है तो हेलो हेलो तो करना ही पड़ेगा। जली ना तेरी भी जली ना। ट्रेन पे चढ़ तो गया, लेकिन सुबह का हालत और अभी का हालत बराबर ही है। बाय बाय डिफो, इंजॉय करते रहो, पता नहीं फिर कब आएंगे हम लोग। लेकिन मैं नीचे उतरा था आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन उतरने का साथ साथ ट्रेन को छोड़ दिया। ऐसा क्यों, क्या मेरे साथ मजाक कर रहा था क्या? मजाक तो बोल नहीं सकता है, लेकिन तो ट्रेन रुकाया क्यों था जब साथ साथ छोड़ दिया? क्योंकि तुमको ले जाने का मन नहीं है दिमापुर। क्या बोला तूने? राजा था हम लोग कुफा है या फिर ट्रेन कुफा है बताइए। तो जब भी कहीं जाता है हमेशा लेट पहुंचता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो। तो दोस्तों फिलहाल मैं हूँ डिफो का स्टेशन पर, जैसा कि आप लोग देख सकता है हमें डिमापुर भी जाना है। तो चलिए आज का ब्लॉग पे बने रहिए, काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। और आज की ब्लॉग शुरू करने से पहले जो कोई भी नया हो मेरा चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबको मिलने के लिए। दोस्तों हम लोग सुबह जहाँ से शुरू किया था एंड इवनिंग को यहीं पे आकर फिर से पहुंच गए हैं, जैसा कि डिफो स्टेशन का बाहर पे फिलहाल हम लोग खड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी रिटर्न जाने के लिए सब कोई तैयार है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। चलिए अभी सीधा अंदर चलते हैं और जाके ट्रेन का इंतजार करते हैं। जैसे ट्रेन आता है फिर हम लोग निकलते हैं। तो अभी ट्रेन के लिए तो कुछ समय रुकना पड़ेगा हमें, क्योंकि ट्रेन तो शायद 7:30 बजे, क्योंकि ट्रेन लेट चल रहा है फिलहाल। देखता है कैसा होता है। और आवाज वगैरह एकदम बिल्कुल बैठ चुका है, ठीक है, क्योंकि पूरा दिन हल्ला करने के बाद आवाज जो है एकदम पूरा बैठ चुका है। तो देखते हैं अभी का जर्नी कैसा होता है। और जैसे कि डिफो का जो स्टेशन है उतना बड़ा तो नहीं है, ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नजारा ये डिफो स्टेशन का, और इतना लोग भी नहीं है क्योंकि स्टेशन इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। देखिए ये कोना से लेकर उस कोना तक ही, यहाँ से मतलब खड़ा होकर मैं देख पा रहा हूँ, उतना बड़ा तो नहीं है। क्योंकि हमारा डिमापुर का जो स्टेशन है वो तो काफी बड़ा है, आप लोगों को पता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये हो गया प्लेटफॉर्म नंबर 2, उधर हो गया प्लेटफॉर्म नंबर 1, जो कि ये रहा, ये हो गया प्लेटफॉर्म नंबर 1। उतना बड़ा तो नहीं है लेकिन दो प्लेटफॉर्म फिर भी है। ये हो गया प्लेटफॉर्म नंबर 2, ये आप लोग देख सकते हैं, और ये हो गया प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो अभी तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ देर वेट करना होगा क्योंकि ट्रेन लेट चल रहा है। चलिए आने दीजिए, उसके बाद फिर निकलेंगे। और मेरा भाई लोग भी इधर में पूरा बैठा हुआ है, और भाई साहब को टोपी पे भी अभी क्या बोला, हम लोग बहुत थक चुके अभी। सही बात, तो अभी घर पे जाके अभी आराम करेगा, बस अभी कुछ समय की बात है, अभी पहुंचने वाला है घर, देखते हैं। और हमारा सर जी देखिए उधर पे अपना बीबी के साथ पूरा हेलो हेलो कर रहा है, क्योंकि भाई साहब तो शादीशुदा है तो हेलो हेलो तो करना ही पड़ेगा। जली ना तेरी भी जली ना। तो चलिए बने रहिए, देखते हैं अभी इंतजार करता है, ट्रेन को आने दीजिए और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। फिलहाल अनाउंस हो गया जो कि हमारा ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रहा है, और हम लोग इतना देरी था प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, जैसा कि अभी हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। चलिए ट्रेन को आने दीजिए और उसके बाद मैं फिर दिखाता हूँ चढ़ता है निकलता है कैसा क्या होता है, बन रही है। दोस्तों फाइनली इंडिया का प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो मारने का मौका मिल गया, आप लोग देख सकते हैं मेरा फोटो काफी ज्यादा मस्त आ रहा है नरेंद्र मोदी का साथ। तो जैसे कि स्टेशन में ये स्टेचू लगा हुआ था, तो हम सब ने मिलके काफी मस्त मस्त फोटो क्लिक किया, और ये सब फोटो आप लोगों को इंस्टाग्राम में भी देखने मिलेगा, और यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए। तो फिलहाल देख सकते हैं लाइट का वजह से क्लियरिटी नहीं है, लेकिन हमारा ट्रेन ऑन द वे है, मतलब पहुंच ही गया है। चलिए उसको आने दीजिए, रुकने दीजिए, फिर हम लोग चढ़ता है और देखता है अभी का जर्नी कैसा होता है। क्योंकि कैसा होगा वो तो पता नहीं, क्योंकि सुबह का जो आने का जर्नी था वो बहुत ज्यादा खराब था हम लोगों का, क्योंकि खड़ा होने का जगह ही नहीं था, आप लोगों को पता है। जैसा कि अभी देखता है इसमें हम लोगों को बैठने का जगह मिलता है या नहीं मिलता है या कैसा होता है, चलिए आगे पता चलेगा। दोस्तों ट्रेन पे चढ़ तो गया, लेकिन सुबह का हालत और अभी का हालत बराबर ही है। सुबह तो चलिए खड़ा होने का जगह नहीं था, अभी तो खड़ा होने का जगह है लेकिन बैठने का जगह नहीं है। पूरा फुल जाम है ना, अभी भी जाने का मजाक बहुत आएगा, सही है ना? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डिफो का स्टेशन से ट्रेन छोड़ चुका है और हमारा जर्नी शुरू हो चुका है। तो देखते हैं अभी जर्नी कैसा होता है, बस एंड तक बने रहिए आप लोग, मजा आएगा। और ये आप लोग देख सकते हैं जो कि डिफो का स्टेशन से अभी फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं। बाय बाय डिफो, इंजॉय करते रहो, पता नहीं फिर कब आएंगे हम लोग। लेकिन जो भी है चलिए कम से कम सुबह तो हमें खड़ा होने का जगह नहीं मिला था, लेकिन अभी तो खड़ा होने का जगह तो बहुत मस्त मिल रहा है हमें। हाँ बैठने का जगह तो नहीं मिला,
लेकिन खड़ा होने का जगह तो काफी मस्त मिला है, क्योंकि यहाँ पे और भीड़ इतना है नहीं। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, हम लोग चार पांच लोग ही है, मैं हूँ, राणा है इधर पे, राहुल भी एकदम पास में खड़ा है, और यहाँ पे दो चार भैया लोग भी है। और राणा क्या बोलता है, तुम सुबह से अभी अच्छा है या फिर सुबह अच्छा था बताओ? सुबह से तो अभी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सुबह खड़ा होने क्यों नहीं मिला भाई। देखता है अभी, और क्या ही बोलूं, चलिए चलता है। और अभी अंधेरा भी है तो बाहर का नजारा भी मैं कुछ आप लोगों को दिखा तो सकता नहीं, अभी क्या ही दिखा रहा हूँ। लेकिन जो डिफू में जो हम लोग आज घूमा, वो घूम के काफी ज्यादा मजा आया, और ब्लॉग वगैरह भी आप लोगों ने देखा होगा, कैसा लगा आप लोग उस ब्लॉग में भी कमेंट किया था, और इस ब्लॉग में भी कमेंट करके बोलिएगा। और बाकी अगर आप लोगों ने डिफू वाला ब्लॉग का पूरा मतलब ब्लॉग लोग नहीं देखा है तो उस ब्लॉग का प्लेलिस्ट मैं इस ब्लॉग का नीचे डाल दूंगा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, डिफू का हर एक पार्क का ब्लॉग आप लोगों को मिल जाएगा। अब हर एक पार्क तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सब पार्क तो मैं घूम नहीं पाया, जितना मैं घूम पाया उतना ब्लॉग भरा है। हम लोग दलदली पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे रुका है तो ट्रेन, मैं नीचे उतरा था आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन उतरने का साथ साथ ट्रेन को छोड़ दिया। ऐसा क्यों, क्या मेरा साथ मजाक कर रहा था क्या? पता नहीं आप मजाक है कि क्या है भाई, मजाक कर रहा था बताओ तो एक बार। मजाक तो बोल नहीं सकता है, लेकिन तो ट्रेन रुका है क्यों था जब साथ साथ छोड़ दिया? क्योंकि तुमको ले जाने का मन नहीं है बापू, इसलिए। क्या बोला तूने? अच्छा हमको उतरने का लिया है, लेकिन हमको उतर नहीं पाएगा, मैं जाके ही छोड़ूंगा डिमापुर। और ये देख सकते हैं आप लोग, जो कि ये रहा दलदली का स्टेशन, इतना बड़ा तो नहीं है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग डिमापुर पर पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये रहा डिमापुर का प्लेटफॉर्म, और डिमापुर का नजारा कुछ इस तरह है, और ऐसा तो आप लोग ने काफी बार देखा ही है। तो आप लोगों को ब्लॉग देखकर कैसा लगा वो तो पता नहीं, बाकी राजा था आपको कैसा लगा अभी आने का जर्नी, जरा बताएंगे? अच्छा लगा, जो भी है बेस्ट लगा ना। जाने का टाइम तो कम से कम सीट हम लोग को मिला नहीं था, हाँ। लेकिन अभी आने के टाइम में कम से कम एक सीट थोड़ा सा मिला, और थोड़ा सा बैठ के आया, थोड़ा सा आराम भी लगा, और हम लोग का भाई भी थोड़ा देर बैठ पाया, जो भी ऐसे ही है अच्छा लगा। लेकिन राजा था हम लोग कुफा है या फिर ट्रेन कुफा है बताइए, तो जब भी कहीं जाता है हमेशा लेट पहुँचता है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अभी देखिए जैसा कि हम लोगों को डिमापुर पहुंचना था 7:30 बजे, और फिलहाल टाइम हो रहा है 8:30 बजे, मतलब पूरा पक्का एक घंटा लेट, हाँ। क्यों है ऐसा? तो ऐसा इसकी वजह से, क्योंकि हम लोग घूमने के लिए निकले थे, हाँ। तो ऊपर वाला ही चाहते और घूमो और घूमो, इसकी वजह से और लेट किया, एक घंटा और लेट किया, जल्दी आ रहा है ना, तुम मुझे दिखाता हूँ। सही बात है, एक घंटा और लेट। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी, तो जो भी है क्या बोला, कुदरत ने प्रैंक कर लिया। तो जो भी प्रैंक किया हो, जो भी हो, चलो फाइनली तो डिमापुर पहुंच गया, चलिए फाइनली संडे तो यहाँ पे खत्म होता है, और कल से फिर से वो नॉर्मल जिंदगी शुरू होगा, रोज वही काम जाओ, दिन भर कंप्यूटर गुताओ, और तो कोई काम है नहीं। और राणा कल से क्या फिर घूमने जाओगे बताओ? कल सिर्फ कंप्यूटर मारो ना, तो चलिए कल से फिर वही नॉर्मल जिंदगी, एक बीच बीच में जाके माइंड फ्रेश करना भी जरूरी है। मैं भी निकल जाऊंगा कल अपना बैग लेके माल बेचने। सही बात है, क्योंकि भैया तो एमआर है, ठीक है, एमआर भी बीमार हूँ, तो कल से निकल जाऊंगा फिर से अपना जिंदगी, वो सरावा जिंदगी एंजॉय करने के लिए, ना एंजॉय करने के लिए डोर टू डोर में बस। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आप लोगों को ब्लॉग देखकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह ब्लॉग वीडियो देखने के लिए अपना भाई का चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।